ये लेना घोड़ा जी की धर्मशाला है, देखिए तो यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी है अभी कुछ देर के लिए रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे चाय नाश्ता खाना पीना हो रहा है। अच्छा, ये हमारे बस के यात्री सारे ये बज रहे सुबह के 6, पहुंच गए हम ना पड़े। रुक जा उनका हम जी से आओ यार। यहाँ पे हम लाइन में लगे हुए हैं रूम के लिए। भाई साहब 6 बजे के आए हुए, 7:30 बज गई है यहाँ पे रूम के लिए। हाँ जी बोल में बाली का नहीं, 1.5 घंटे में जाके रूम मिला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, अद्भुत आनंद, अद्भुत आनंद रहेगा। शांति भवन में हमारे को रूम मिला, 2 घंटे का टाइम निकला, वेटिंग लिस्ट में खड़े रहे। 6:07 बजी रूम के लिए शांति भवन में हो रहा है। इसके अंदर आ गया है शांति भवन, ये भवन में प्रवेश होने जा रहे हैं। ये हम हो गए हैं रेडी, अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जय दादा की, जय दादा की, जय दादा की, जय दादा। ये है हमारे दादा का द्वार, जन्नत का द्वार है ये। तीन गुप्पति जाएंगे, तीन डबल लाभ लेके आएंगे, एक दादी से एक बार लाइव डिलीवरी चल रही है। अभी चाहे मंदिर में यू गेट, ये हम लाइन में लगे हुए हैं। अब जा रहे हैं मार्केट, छोटे बड़े दर्शन बाहर क्या करेंगे, आराम से थोड़ा बहुत घूमेंगे। आइए ताजा ताजा बोर भैया, मीठे बोर, नाकोड़ा जी के बोर है भैया, रील वाले भैया है सोनी जी। ये भाई साहब हमारे को ऐसी कड़ाके की धूप में, मेरे को मफलर बंधा के मुंह पे, तेरे को किडनैप कर लेंगे, तुम मुंह पे मफलर बांध, मुंह पे मफलर बंधा के ऐसी कड़ाके की धूप में कम से कम 1 किलोमीटर चला दिया इन्होंने। अब ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या चाह रहे हो भाई साहब आप? थे मोरवाड़ी बोल रहे हो की बोल रहे हो? पहले तो यो ठिकानो कर लियो, अने वंचावर वाते कर दिया हूं मारो, अरे वाते कर दिया हूं अभी यो तो बताओ, अभी पेट पूजा करवा जा रहा कतरो चट्टी हो रहे
एक बोल भी हाल तो 1.5 किलोमीटर और बाकी जो से ज्यादा बाकी ना से भाई साहब फुल खड़ा करी गर्मी में चले ऐसी जगह लेना है ऐसी होटल में ऐसी चल रही 18 डिग्री ये भाई बड़ा सुनी बच्चों के गेम खेलते हुए ये छोटा बच्चा बनते हुए ये है नाकोड़ा जी की पर्वत श्रृंखला जिन पर्वतों के बीच में श्री नाकोड़ा जी बैठे हैं बहुत ही सुंदर नजारा बोरा मंदिर नाकोड़ा जी का ये है नागोड़ा जी की धर्मशाला है देखिए सबसे पुरानी और फुल एसी ट्रस्टी है जिन प्रोडक्ट नहीं अटल फिर भी देवे तो कैसा लग रहा है आशीष जी? एकदम आनंद जैसा लग रहा है। मोहन जी कैसा लग रहा है? हवा के अंदर बैठे हैं सर, चोखो एक नंबर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल रियल जन्नत है। कोट पहनने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, चिल। हमारा ये मकसद है जन्नत के अंदर कोई तकलीफ वाली बात नहीं, कोई कोट की जरूरत नहीं होती हमारे। अरे जन्नत का नजारा देख, ये है जन्नत हमारा। तो चला मैंने ये ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पुष्कर जी के बाद दूसरा यहाँ है बालोतरा के पास। यहाँ पे रात को 12:30 बजे बस रुकी, नाश्ता पानी किया, टिक्कर खाए, 1:30 बजे रवाना, सैंडविच खाया और अब 1:30 बजे रवाना हो रही है गाड़ी। बेल खाई थी, हाँ एक बेल भी खाई, दो कॉफी पी थी, कॉफी पी थोड़ी कड़क, बिल्कुल कड़ू सी करके दी उसने, कड़ू सी बिल्कुल। हाँ, सुबह की 5 बजे मैं आ गया हूँ घर, फुल नाइट गाड़ी चली है।